हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नींबू का अचार। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको बनाना भी आसान है। अगर आपने एक बार बनाया ना तो 1 साल तक आराम से चलता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 30 से 35 नींबू। नींबू को अच्छे से धो के फिर कपड़े से पोंछ के लेना है। जब हम नींबू कट करेंगे तो उसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और नींबू भी हमें अच्छे लेने हैं, मतलब नींबू के ऊपर दाग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इस नींबू को कट करके लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नींबू को 8 पीसेस में कट करके ले लूँगी। आप चाहे तो सिर्फ 4 पीसेस में कट करके ले सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, छोटे या फिर बड़े, वैसे आप इसे कट करके ले सकते हैं। बस 3-4 नींबू छोड़ के मैं बाकी के नींबू कट करके ले लूँगी। ध्यान रखिए, नींबू का अचार ज़्यादा दिनों तक चलने के लिए नींबू के ऊपर बिल्कुल भी दाग वगैरह नहीं होना चाहिए और नींबू हरे रंग के भी नहीं होने चाहिए, मतलब कच्चे नहीं होने चाहिए। अगर आपने नींबू कच्चे ले लिए तो नींबू का अचार कड़वा बनेगा और अगर दाग वाले नींबू ले लिए तो नींबू का अचार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता, ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हमें इसमें 3-4 नींबू का रस डालना है, तो इसलिए मैं 3-4 नींबू छोड़ के बाकी के नींबू कट करके लेती हूँ। तो ये देखिए, सारे नींबू मैंने कट करके लिए हैं और नींबू के मैंने बीज भी निकाल दिए हैं। तो ये बीज मैंने निकाल दिए हैं, उसे हमें फेंकना है। तो ये देखिए, 2-3 नींबू के ऊपर थोड़े से दाग थे, तो उसका हमें रस डालना है। दाग वाले नींबू को कट करके नहीं डाल देंगे। तो 3 से 4 नींबू का मैंने इसमें रस डाल दिया है। अब हमें इसमें डालना है नमक। तो ये 3 चम्मच भर के मैं इसमें नमक डाल दूंगी। जो ब्रेकफास्ट वाले चम्मच होते हैं ना, वो चम्मच मैंने लिए हैं। 3 चम्मच नमक काफी होता है। तो अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स होने के बाद हमें इसको प्लास्टिक के, कांच के या फिर ऐसे स्टील के बर्तन में ढक के रखना है। ढक के भी अच्छे से रख दें। इसे हमें ढक के रखना है 5 दिनों तक। लेकिन ध्यान रखिए, सुबह शाम हमें इसको चलाना भी है और चलाने के बाद फिर से इसको अच्छे से ढक के रखना है। अगर इसको सुबह शाम नहीं हिलाया तो नींबू का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, नींबू और नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसे मैं ढक के रख देती हूँ 5 दिनों तक। तो 5 दिनों बाद ढक्कन हटाते हैं। इसको मैंने सुबह शाम चलाया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं नींबू क्वांटिटी में कम दिखने लगे हैं, मतलब ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। नमक के कारण नींबू सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं मसालों में क्या क्या चाहिए। तो मैंने 35 नींबू लिए थे और उसके लिए 2.5 कप चीनी, 4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून हींग। नींबू का अचार बनाने के लिए ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, तो इसी कप से मैंने 2.5 कप चीनी ली थी और इसी कप से 3/4 कप पानी डाल देंगे। 2.5 कप चीनी के लिए 3/4 कप हमें पानी डालना है। अब इसमें डाल देंगे शक्कर। शक्कर डिजॉल्व होने तक एक जैसा चलाते रहेंगे। ये नींबू का अचार खट्टा, मीठा और तीखा बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपने इसे घर पर बनाया ना तो आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएगा। बस एक बार ही बनाना है और ये साल भर चलता है। और ये देखिए, शक्कर डिजोल्व हो गई है। तो यहाँ पे हम शक्कर डिजोल्व होने के बाद फिर से 1 से 2 मिनट तक चलाते रहेंगे। हमें इसकी चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस शक्कर डिजोल्व होने के बाद 1-2 मिनट तक ही इसको चलाएंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले। अब मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और ये हींग। अगर आपके पास है तो आप काला नमक भी यहाँ पे डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून काला नमक डाल दें। मसाले डालने के बाद फिर से 1 मिनट तक इसको उबाल के लेंगे। तो ये देखिए, चाशनी को मैंने मसाले डालने के बाद फिर से 1 से 2 मिनट तक उबाल के लिया था। तो अब हमें इसमें डालने हैं नींबू। मिक्स कर देंगे। नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे टेस्ट करके जरूरत पड़ी तो फिर से नमक डाल सकते हैं। नींबू डालने के बाद गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो करेंगे और उसको आराम से उबलने देते हैं। 1 उबाल आने तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ज़्यादा नहीं उबालना है, बस 1 उबाल आने तक ही छोड़ देंगे। और देखिए, नींबू डालने के बाद ये चाशनी फिर से उबलने लगी है। तो यहाँ पे हम गैस बंद कर देंगे। तो हमारे ये बहुत ही टेस्टी खट्टा, मीठा और तीखा नींबू का अचार तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा बना है। तो इसे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ठंडा होने के बाद आप इसे किसी कांच की बरनी में या फिर एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दें। ये आराम से 1 साल तक चलता है। तो अभी नींबू का सीजन शुरू हो गया है, तो आप इसको घर पर ज़रूर बनाइए। आपने तो देखा ही है इसको बनाना कितना आसान है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए।